सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत हिंदी साहित्य में काव्य दोष पढ़ रहे थे और काव्य दोष के अंतर्गत हमने 6 दोषों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ग्राम्यत्व दोष भी पढ़ा, क्लिष्टत्व दोष भी पढ़ा, अप्रत्ययत्व दोष भी पढ़ा, ठीक है, और इस प्रकार हमने अकर्मत्व दोष भी पढ़ा। इस प्रकार हमने बहुत सारे दोष पढ़े और उसके उपरांत आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यून पदस्व दोष, न्यून पदत्व दोष। देखो शब्द से ही हमें यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि न्यून का मतलब होता है कमी, न्यून का मतलब क्या होता है कमी, पदत्व यानी पद। अब शब्द और पद में क्या अंतर होता है, स्वतंत्र शब्दों को जब विभक्ति चिन्हों के साथ, स्वतंत्र शब्द को जब विभक्ति चिन्ह के साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह शब्द जो होता है वह पद कहलाता है। पद और शब्द में कोई अंतर नहीं है, स्वतंत्र रहेगा वह शब्द शब्द कहलाएगा और उसी शब्द को जब हम पद में प्रयुक्त कर देते हैं तो वही शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यून पदत्व दोष, न्यून कमी, यानी यहाँ पर ऐसा दोष है जहां पर पद की कमी है, पद की क्या है कमी है। तो जहां पर हमें लगता है कोई पंक्ति हमारे सामने लिखी जा रही है, कोई वाक्य हमारे सामने अंकित किया जा रहा है, उस वाक्य में हमें ये लगता है इस वाक्य में किसी न किसी शब्द की कमी है, तो हम अपनी तरफ उसमें कुछ न कुछ शब्द जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर हमेशा न्यून पद दोष होता है। न्यून पद दोष की जब परिभाषा की बात करें के काव्य में जहाँ वांछित या अभीष्ट अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, वांछित या अभीष्ट दोनों एक ही होते हैं, यानी जो अर्थ हमें प्राप्त करना है, अर्थ हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो हम अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो अपनी ओर से कुछ पद या शब्द दोनों एक ही होते हैं, पद या शब्द जोड़ना, कुछ पद शब्द जोड़ने पड़े वहां न्यून पद दोष होता है। उस पंक्ति में जब अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़ने का प्रयास करते हैं तो वहां पर हमेशा न्यून पदत्व दोष होगा, वह शब्द हमें अपनी ओर से जोड़ना है और हमेशा वही सार्थक शब्द जोड़ा जाएगा, सार्थक पद उसमें ऐड किया जाएगा जो उस वाक्य की पूर्ति करता हो। ऐसा नहीं कोई भी शब्द हम उसमें लिख सकते हैं, नहीं, उस वाक्य को जो पूर्ण करता हो, उस वाक्य को जो सार्थकता प्रदान करता हो, वही शब्द हमें, वही पद हमें उसमें जोड़ना पड़ता है। जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, हम पहले उदाहरण जैसे बात करें, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सबका। अब यहाँ पर कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सबका, किसकी कृपा दृष्टि की बात हो रही है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो उपयुक्त वाक्य में यहाँ पर कृपा दृष्टि से पूर्व जब हम आपके शब्द लिखें, कृपा दृष्टि से पूर्व जब हम आपके शब्द लिखें, कृपा दृष्टि से पूर्व आपके लिखे तो आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब का, तो यहाँ पर शब्द किसकी कमी है, आपकी शब्द की कमी है, तो उपयुक्त वाक्य में उपयुक्त वाक्य में कृपा दृष्टि पद से पूर्व आपकी पद का प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो यहां न्यून पदत्व दोष होगा। तो यहां पर कृपा दृष्टि पद से पूर्व आपकी, आपके शब्द अगर यहां पर आ जाएगा तो यह वाक्य जो होगा अपने आप में क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे वाक्य की जब बात करें कि राजन तुम्हारे खड़क से यश कुसुम विकसित हो गया। अब खड़क का मतलब होता है तलवार, खड़क का मतलब होता है तलवार। अब तलवार से यश कुसुम विकसित कैसे हो गए, तो तलवार के जस्ट उपरांत, तलवार के पश्चात हमें लता शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर तलवार रूपी लता से, पुष्प हमेशा लता पर पल्लवित होते हैं, तो तलवार यानी खड़क रूपी लता से
यश कुटुंब विकसित हो गया। तो दूसरे उदाहरण में हमें खड़क के पश्चात कुछ न कुछ शब्द जोड़ना पड़ेगा, वह लता शब्द होगा। तो उपयुक्त वाक्य में खड़क शब्द के बाद लता पद की न्यूनता है, इसलिए यहां न्यून पद दोष होगा। ठीक है, यह था अपना दूसरा उदाहरण। ठीक है, अब तेज धन की बात करें। बंसी प्यारी मधुर सुर साथ में सोती है। अब बंसी प्यारी मधुर सुर साथ में सोती मतलब किसके साथ है? यहाँ पर साथ में शब्द से पूर्व में आपके साथ में आपके शब्द प्रयोग में लेना पड़ेगा। तो उपयुक्त उदाहरण में साथ में सबसे पूर्व आपके पद का योग होना चाहिए, नहीं तो इसी कारण यहां नियम बदलना दोष। तो तीनों उदाहरणों को जब हम देखते हैं तो प्रत्येक उदाहरण में किसी न किसी प्रकार की कमी है, और उस कमी को हमें कुछ न कुछ पद जोड़कर कुछ न कुछ शब्द जोड़कर उस कमी की हमें पूर्ति करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी न्यून पदत्व दोष में न्यून का मतलब होता है कमी, पदत्व यानी पद की कमी। तो वहां पर काव्य में किसी न किसी पंक्ति में वाक्य में जब किसी पद की कमी होती है और उस कमी को जब हम अपने तरफ से अर्थ को प्राप्त करने के लिए पूर्ण करते हैं तो वहां पर हमेशा न्यून पदत्व दोष होगा। काव्य में न्यून पदत्व दोष की विशेषता ये होती है किसी न किसी शब्द या पद की कमी होती है, और अभिष्ट अर्थ को प्राप्त करने के लिए वाक्य के संपूर्ण अर्थ को हमें प्राप्त करने के लिए अपने तरफ से कुछ न कुछ शब्द जोड़ना पड़ता है जो सार्थक हो, उस वाक्य को सार्थक बने, इसलिए वहां पर न्यून पदत्व दोष अपने आप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो काव्य में बहुत सारे दोष होते हैं, जब कहीं पर शब्दों की कमी होती है तो कहीं पर शब्द अधिक आ जाते हैं। शब्दों की कमी होती है तो हमें वहां पर शब्द जोड़ना पड़ता है, और शब्द जहां पर अधिक आ जाते हैं तो हमें एक शब्द वहां से हटाना पड़ता है, अर्थात जहां पर दो विशेषण एक साथ आ जाते हैं, दो समानार्थी शब्द एक साथ आ जाते हैं तो वहां पर अधिक पदत्व होगा। तो न्यून का मतलब होता है कमी। तो इस प्रकार हम न्यून पदत्व की जो बात करें, अभीष्ट अर्थ वांछित अर्थ को ध्यान रखना, अभीष्ट अर्थ या वांछित अर्थ जो अर्थ हमें प्राप्त करना है, जिस अर्थ की हमें आवश्यकता है, उसी के अनुसार उस वाक्य में उस पंक्ति में वह शब्द या पद जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी निरंतर शब्द आपने ले लिया और इसमें जोड़ दिया, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके शब्दों में जोड़ना पड़ेगा कि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, तभी वाक्य साथ पूरा बन जाएगा। दूसरा, राजन तुम्हारे खड़क से ये सुसुम विकसित हो गया। तो यहाँ पर राजन तुम्हारे खड़क रूपी लता से, राजन तुम्हारे खड़क रूपी लता से यश कुसुम विकसित हो गया। यश रूपी कुसुम यानी आपकी जय जयकार हो रही है, आपका
वर्चस्व है, सब तरफ बढ़ रहा है। तीसरा, बंसी प्यारी मधुर सुर साथ में सोती है। बंसी प्यारी मधुर सुर किसके साथ में? आपके साथ में सोती है। तो मैंने को पहला उदाहरण तीसरा दोनों तीसरा तीनों उदाहरणों की व्याख्या मैंने अलग अलग की है। यह क्या, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों अपने अपने जगह पर सही है। जो हमें उचित लगे, जो हमें सार्थक लगे वो हम लिख सकते हैं। देखो पहले भी ये लिखा मैंने, उपयुक्त वाक्य में कृपादृष्टि पद से पूर्व आपकी पद का प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो यह नहीं दोष होगा। दूसरे मैंने लिखा कि खड़क शब्द के बाद लता पद की न्यूनता है, इसलिए यहाँ न्यूनतम दोष होगा। तीसरा लिखा, उपयुक्त उदाहरण में सार्थक शब्द से पूर्व आपके पद का प्रयोग होना चाहिए, इसी कारण यह न्यूनतम दोष है। तीनों उदाहरण मैंने अलग अलग व्याख्या किए। जो व्याख्या आपको आसान लगे वो एक व्याख्या हम सब में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हम ये की व्याख्या इसमें भी जोड़ सकते हैं और ये वाले इसमें भी जोड़ सकते हैं। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, जो अपने को उचित लग रही है, जो अपने को समझ में आ रही है, वही हमें स्पष्ट करने के लिए लिखनी है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। ये थी अपने काव्य दोष की बात। काव्य दोष के अंतर्गत इसी बातों को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है।